नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा विषय है MBBS इन जापान के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि MBBS की हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर हैं। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है जहां पर MBBS होती है, मैं सबकी वीडियोस लेकर आऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको यूक्रेन ही अकेला भेजू, प्रमोटेड कंट्री में मैं कभी नहीं भेजूंगा आपको, बाकी आपकी इच्छा है। तो मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दोस्त आप MBBS करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एक दूसरे से जरूर शेयर करें। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बता दिया था कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, चाहे मैंने कनाडा की भी वीडियो बना दी है MBBS, न्यूजीलैंड की भी बना दी है, ऑस्ट्रेलिया की भी बना दी है, यूके की भी बना दी है, आयरलैंड की भी बना दी है, तो शेंगेन कंट्रीज की भी बना दी है, फ्री कंट्रीज की भी MBBS बना दी, कौन सी वर्ल्ड की फ्री कंट्रीज की MBBS करवाती है। तो आज का है MBBS इन जापान। जापान एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, नॉट फॉर MBBS, हायर स्टडीज के लिए। तो वहां पर भी MBBS स्टूडेंट्स के लिए एक इंटेंस एग्जाम होता है जिसको हम एग्जामिनेशन फॉर जैपनीज यूनिवर्सिटीज, इसका एग्जाम साल में दो बार होता है, एग्जामिनेशन फॉर जैपनीज यूनिवर्सिटीज, ये एग्जाम बच्चे को देना पड़ता है जिन बच्चों ने वहां पर किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, साल में दो बार होता है। तो जिन्होंने MBBS करनी है उनके लिए फिर मैं देना PCV, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट बहुत सारी जो फॉरेन की अच्छी कंट्री है वो सुपर मेडिकल मांगते हैं, मैथ भी मांगते हैं, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डाल दी हुई है, क्राउन इमिग्रेशन पे स्टडी इन जापान, उसमें आप ब्राउज करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल में इसको ब्राउज करके देख ले, एग्जामिनेशन फॉर जापानी यूनिवर्सिटीज, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नीट तो मैंडेटरी है जितनी भी कंट्रीज बताया, अगर आपने इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है, और वहां पर कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर आप MBBS कर सकते हैं, उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है जो यूनिवर्सिटीज इसको प्रोवाइड करती हैं। बट यहां पर एक और कंडीशन है, वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश में प्रोवाइड करती है MBBS, और कुछ यूनिवर्सिटी वहां पर अपनी जैपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करती है। जो ये एग्जाम है एग्जामिनेशन फॉर जैपनी यूनिवर्सिटी, इसमें अफेयर होने के लिए आपको N5 भी आना मैंडेटरी है। N5 है क्या? N5 उनकी जापानी लैंग्वेज के लेवल है, जैसे N5, N4, N3, N2, N1 इनके पीछे रिजल्ट से स्टार्ट होते हैं, जैसे A1, A2, B1, B2, C1, C2 जैसे फॉरेन की लैंग्वेज की है, जैसे हम फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज की बात करें, तो इसी तरीके से N5 होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में जापानी लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ की जो फीस है दैट इज आल्सो वेरी इकोनॉमिकल, 5 लाख, 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच की है, और यहाँ पर भी 5+1 ईयर की MBBS है, 5 साल की MBBS और 1 साल की इंटर्नशिप है। तो नीट मैंडेटरी है, अगर आपने इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है तो आपके अगर 60% भी मार्क है, 55% भी मार्क है, यू कैन सिट इन दैट एग्जाम, एग्जामिनेशन पास जापानी यूनिवर्सिटी में आप बैठ सकते हैं, क्लियर करने के बाद वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जापान में जाना है हायर स्टडी के लिए, स्पेशली MBBS के लिए, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।